आईपीएस विकास वैभव ने ट्वीट कर बहुत गलती किया, जिसको उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार का ऑफिस बना दिया था। इस तरीके से शोभा अहोतकर जो है सीधे खड़ी होकर सबको जो है डांट फटकार उन्होंने लगा दिया। शोभा अहोतकर जो है वो गर्म दिमाग की है, वो गर्म हो गई और उन्होंने अपने मुंह से कुछ अपशब्द कह दिया होगा, सुननी पड़ी। तो गाली सुनने का कोई और कारण नहीं था, उनको बार बार मना किया जा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव इन दिनों सुर्खियों में है। जी हाँ, और सुर्खियों में इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया है उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई है कि उन्हें अगर किसी तरह की कोई परेशानियां थी तो वो अपने विभाग में तलब करते, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह अपनी परेशानियों को बयां किया है उसको लेकर काफी वजीहत देखने को मिल रही है। तो वही अब इस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रत्युष मौजूद है। प्रत्युष, क्या लगता है आपको इस मुद्दे? देखिए आरती, कहीं ना कहीं आईपीएस विकास वैभव ने ट्वीट कर बहुत गलती किया और अब एक नया मामला सामने आ रहा है जो अभी तक कोई भी जो मीडिया मतलब जो भी चैनल है वो दिखा नहीं पा रहा है या उसको सच्चाई नहीं पता है। खैर, सच्चाई तो हमको भी नहीं पता है कि आखिर बात क्या था, उनको गाली क्यों पड़ी, लेकिन कुछ पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है, हमारी दो तीन लोगों से बात हुई जिनका कहना है कि लेट्स इंस्पायर बिहार चलाते थे विकास वैभव और तमाम जो उनके जो जानने वाले हैं, जो उनके करीबी हैं, जो इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका कहना है कि लेट्स इंस्पायर बिहार जो वो चला रहे थे वो उस मतलब जो ऑफिस है, जो उनका ऑफिस है, जो हाँ आईपीएस ऑफिसर मतलब वो एक आईपीएस ऑफिसर जो उनका मेन ऑफिस था जी। उस ऑफिस को उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार का ऑफिस बना दिया था जी। लगातार लोगों से मिल रहे थे, लोगों को बुलाते थे, लेट्स इंस्पायर बिहार का लगातार जो पोस्टर बैनर है, ठीक है उनका कहीं और भी ऑफिस होगा, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां जो वहां ड्यूटी करते थे जहां पे वहां पे लेट्स इंस्पायर बिहार का काम क्यों करते थे, इसलिए डीजी जो शोभा अहोतकर हैं उनका जो दिमाग है वो बहुत मुड़ियल इंसान है। कहा जाता है कि बहुत मुड़ियल किस्म की हैं, बहुत गर्म दिमाग की हैं, वो किसी का बर्दाश्त नहीं करती हैं जी। अभी आग लगा था कुछ दिन पहले तो आपने देखा होगा कि तस्वीर सामने आई थी किस तरीके से शोभा अहोतकर जो है सीधे खड़ी होकर सबको जो है डांट फटकार उन्होंने लगा दिया। तो कहीं ना कहीं इस आईपीएस विकास वैभव पर उनका जो है नाराजगी कुछ इसलिए था कि उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार का ऑफिस बना दिया था अपने जो उनका जो मेन पुलिस का ऑफिस है, मेन जो उनका आईजी का ऑफिस है, तो उनको उसको जो है उन्होंने जो है लेट्स इंस्पायर बिहार का ऑफिस बनाया और शोभा अहोतकर जो है वो गर्म दिमाग की है, वो गर्म हो गई और उन्होंने अपने मुंह से कुछ अपशब्द कह दिया होगा, इसलिए जो है विकास वैभव को बुरा लगा। लेकिन ऐसा है कि विकास वैभव के मुंह से कभी भी किसी ने गाली नहीं सुना है। कहा जाता है कि जो उनकी छवि है बहुत अच्छे छवि के हैं, गाली ग्लॉस नहीं, गाली नहीं देते हैं, लेकिन अगर उनको गाली सुननी पड़ी तो गाली सुनने का कोई और कारण नहीं था, उनको बार बार मना किया जा रहा था। और देखिए इस मसले पर जो है तमाम लोग, जितने भी लोग हैं या बिहार के मुख्यमंत्री हो, जो भी लोग सुन रहे हैं वो गर्म है। गर्म इसलिए है कि उनको गाली दिया गया, इसलिए गर्म नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर दिया, बजावता उन्होंने ट्वीट कर सभी को जानकारी दे दिया कि मेरे साथ इस तरीके का घटना जो है घट रहा है। लेकिन उन्होंने उनके साथ घटना क्यों ये घट रहा था, क्यों उनको शोभा अहोतकर बार बार गाली दे रही थी जब से वो वहां पहुंचे थे, मतलब उनको जो पद मिला था, जिस पद पे वो बैठे थे, उस पद का वो दुरुपयोग कर रहे थे। दुरुपयोग कहे तो लेट्स इंस्पायर बिहार का जो है ऑफिस, मैं आपसे कहना चाहूंगी क्योंकि आप लेट्स इंस्पायर बिहार जो है वो आज से नहीं चल रही है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो सार्वजनिक तौर पे चल रही थी, उसमें कोई लुक्का छिपे वाली बात तो थी नहीं, तो ये तब ये सवाल क्यों नहीं उठे? एक बड़ा सवाल जहन में आता है कि इससे पहले भी विकास वैभव काफी दिनों से सक्रिय नजर आते हैं और समाज के उत्थान के लिए उन्होंने ये काम किया है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं, प्रतिभाशाली जो लोग हैं वो जुड़े हैं और उनको काफी फायदे हो रहे हैं, और बिहार के लोगों को एक नया आयाम देने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो ये तब ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाए गए कि आप प्रशासन में रहकर इस तरह की चीजें नहीं कर सकते? ये भी तो एक बड़ा सवाल हो सकता है। और दूसरा कि लेट्स इंस्पायर बिहार से कोई नाराज नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, नाराजगी बस डीजी शोभा अहोतकर का इसलिए था कि वो लेट्स इंस्पायर बिहार चलाए, लेकिन जो अपने कार्यालय में वो लोगों का जमावड़ा लगवा रहे हैं, लोगों का भीड़ लगवा रहे हैं, लगातार लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, ये गलत था। नाराजगी शोभा अहोतकर की लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर की नहीं थी,
जो भीड़ लग रहा था उनके कार्यालय में, जो उनके कार्यालय में लगातार लोग आके और उनसे मिलते थे, गुलदस्ता देते थे, फोटो खिंचवाते थे, उनकी नाराजगी उससे थी। अगर वो अपना काम करने गए हैं तो अपना वो काम करें। लेट्स इंस्पायर बिहार अगर चला रहे हैं आप चलाइए, कोई मना नहीं किया है उनको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पता है, यहाँ तक कि जितना भी बिहार में मंत्री है तमाम लोगों को पता ही है चीज को, वो लेट्स इंस्पायर बिहार चला रहे थे। आपने भी कहा बिल्कुल सही बात है, वो सार्वजनिक तौर पर लेट्स इंस्पायर बिहार चला रहे थे। लेकिन जो वो अपने कार्यालय में जहां वो बैठे थे, जहां उनकी ड्यूटी कुछ और है, वहां वो ड्यूटी कुछ और कर रहे थे, इस बात की नाराजगी शोभा होकर की। लेकिन प्रत्युष मैं आपको बोलूं कि शोभा होकर जी जो है वो जिन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, हालांकि ये हिडन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाली जैसे शब्द, आपको बता दूं मैं कि हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही एक और बड़े आईएएस अधिकारी जो है वो गाली देते, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि आपको बखूबी याद होगा, और उसकी भी काफी निंदा की गई थी कि एक वैसे पद पर रहते हुए इंसान को ऐसे अशोभनीय बात जो है वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो जिस तरह से गाली वाले शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, समझाने और बताने का तरीका अलग होता है प्रत्युष, और आप खास करके जब मतलब इस तरह के बड़े पद पे हो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना कहां तक उचित लगता है। वो गाली लिख कर भेजे थे कहीं पे, उन्होंने कहीं गाली लिख कर भेजा है कि उन्होंने कौन से, नहीं उन्होंने ट्वीट किया, ठीक है, शोभा होदकर के मुंह से गाली निकलता है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पता है कि शोभा होदकर गाली देती हैं, लेकिन उनकी उनकी नाराजगी जो है, क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते थे विकास वैभव, आपको पता होना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री के बहुत चहेते हैं विकास वैभव, लेकिन उन्होंने भी जो है उन्होंने भी चुप नहीं रहा, उन्होंने भी कह दिया कि उसको ट्वीट करने का उनको क्या जरूरत पड़ा था, उन्होंने ट्वीट कर ये बात क्यों कहा, उन्होंने अपने बड़े पदाधिकारी से बात कर सकते थे इस मसले पर। अगर हाँ एक बात और, उन्होंने रिकॉर्ड कैसे किया, अगर उनको गाली दी गई तो उन्होंने रिकॉर्ड क्यों कैसे किया गया, उनको फोन ले जाने के लिए मना किया गया था अंदर में कि कार्यालय के अंदर आपको फोन लेकर नहीं आना है, यानी कि सबको पता था कि वो तमाम चीजें आप भी देखती हैं कि लगातार अपने सोशल मीडिया से विकास अब एक्टिव रहते हैं, कुछ भी होता है कहीं भी जाते हैं कुछ भी करते हैं वो तो अपने आप का। मैं आपको रोकना चाहूंगी इस बात के लिए, जैसे आपने बोला और सीएम नीतीश कुमार ने भी ये बातें कही थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के आईएएस ऑफिसर को अपनी बातें जो है वो साझा नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है वैसे साझा नहीं करनी चाहिए, उनको अपने विभाग को तलब करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने उस ट्वीट को जो है वो रिमूव कर दिया था जिस समय उन्होंने ये रिमूव कर दिया, लेकिन सारे जगह तो वो ट्वीट फैल गया। अगर वो ट्वीट फैला कैसे, देखिए किसी का ध्यान पड़ा होगा, वो ट्वीट निकाला होगा, वो निश्चित तौर पर शेयर होगा। आप विकास वैभव को अगर दोषी कह दे पूरी तरह से तो ये कहना का गलत, उन्होंने लिखा तो क्यों नहीं लिखा, वो पहले बात कर लेते ना अपने पदाधिकारी से, अगर उनके पदाधिकारी के तरफ से कोई, जो उनके बड़े पदाधिकारी थे, अगर उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आता तब वो उस पोस्ट को साझा कर ये लिख सकते थे कि भाई मेरा कोई, मेरे से जो ऊंचा बैठा, जो ऊपर बैठे हैं लोग वो मेरा नहीं सुन रहे हैं, हमको अंतिम निर्णय ये लेना पड़ा कि हमको ट्वीट करना पड़ा, हमको लोगों को जानकारी देनी पड़ी। लेकिन उन्होंने किसी पदाधिकारी से, सीनियर पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने किसी से कोई बात नहीं किया था, उन्होंने किसी को कोई जानकारी नहीं दिया था। डीजी शोभा होकर उनको गाली दे रही थी, ठीक है, उन्होंने चोरी चुपके उनका वीडियो बनाया, उनका जो भी है उन्होंने वीडियो बनाया कैसे वो फोन लेकर चले गए, और पहली बात कि कोई भी बड़े पदाधिकारी बैठे हैं अगर आपकी उनकी उनके साथ मीटिंग चल रही है तो ये कहां तक उचित है कि आप उनका जो है वीडियो बना लिए अपने फोन में, जब आपको जब मना है कि आप उनका आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको यहां तक फोन लेकर जाना जब मना किया गया था, फोन लेकर मत जाइए। मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज, अगर मैं ही किसी एक मुद्दे को उठाती हूं तो एविडेंस की बहुत बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि क्या जरूरत है कि अगर मैं आपको कहूं और आप मेरी बातों को मान लें, तो एविडेंस की भी जरूरत होती है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से एक आईपीएस अधिकारी जो है वो गाली देते उनका वीडियो वायरल हुआ था, तो कहीं ना कहीं उस वीडियो के आधार पे ही ये आवाजें उठी थी और इस तरह की लोगों ने बातें कही थी कि बड़े अधिकारी को इस तरह से अशोभनीय बात नहीं करनी चाहिए थी, और ये क्या उनके शोभा होदकर के जहन में नहीं था कि वो जिस तरह से बातों का अपशब्द का इस्तेमाल कर रही है वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उनको शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप इस बात को मानिए कि कहीं ना कहीं आईपीएस विकास वैभव का जो उन्होंने किया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बजावता उस बात को रिकॉर्ड किया, भले अब कैसे उन्होंने रिकॉर्ड किया ये नहीं पता, क्योंकि उनको फोन ले जाने से मना किया गया था, जब उनको गाली देने के लिए बुलाया गया था तो उनको फोन ले जाने के लिए मना किया गया था लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आईपीएस विकास वैभव जो है बहुत तेज तरार व्यक्ति है,
उन्होंने जो है कुछ उस तरीके इस रिकॉर्डेबल डिवाइस होगा जो उन्होंने अंदर लगा कर लेके चले गए होंगे उन्होंने। तो प्रत्युष, जहां तक हमने देखा है, हमने सुना है कि वो काफी स्वच्छ छवि के इंसान है, उनपे इस तरह के कभी एलिगेशन नहीं लगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमने पहले भी कहा, अभी आपको थोड़ा देर पहले कहा कि वो बहुत साफ सुथरा इंसान है, इसमें कोई गलत कहने की बात नहीं है, लेकिन ठीक है वो साफ सुथरा है, लेकिन वो जो गलत कर रहे थे इस बात को लोग नहीं दिखा रहा है कि जो तमाम जो गोदी मीडिया है जो उनको चाहने वाला है जो उनका, खैर सब लोग उनको चाहते हैं ऐसा इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत गलत काम कर रहे थे। कोई पागल नहीं होता है, वो भी एक पद पर डीजी शोभा होकर बैठी है, डीजी है वो बिल्कुल अपने मुंह से किसी भी तरीके से अपशब्द का वो प्रयोग तभी की होंगी जब तक उनका जो सर है वो नहीं फिर गया होगा, और कहा जाता है कि डीजी शोभा होकर का जो सर कब फिर जाए, किस पर फिर जाए, कोई ठीक नहीं है, बहुत गर्म दिमाग की वो है। और जो बड़े पत्रकार हैं इसकी जो उनको शुरू से देख रहे हैं, उनका कहना है कि वो किसी की नहीं है, किसी की नहीं है मीन्स कि अगर वो गलत देखेंगी तो आप मंत्री रहे या कोई रहे, आपको भी हो सकता है कि गाली वो दे सकती हैं खुलेआम, उन सब तमाम लोगों का यही कहना है। हमने जिनसे भी बात किया, जिनसे भी हम लगातार जो है वीडियो वॉच कर रहे हैं, तमाम लोगों का यही कहना है कि शोभा औदकर का दिमाग जो है वो पूरा फिरा हुआ रहता है, अगर वो गलत देखती है तो वो चुप नहीं रहेंगी। बात रहा आईपीएस विकास वैभव के साफ छवि का, तो ठीक है इनकी साफ छवि के हैं ये, लेकिन अगर उनको मना किया गया था एक छोटे से वर्ड में शोभा औदकर के द्वारा, आप लेट्स इंस्पायर बिहार का जो भी आपको काम करना है आप कहीं और जाकर करें, यहां पर जो है आप जिस काम के लिए आते हैं, जो जिस पद पर आप बैठे हैं उसका गरिमा आप बनाए रखें, आप वही काम करें, तो उनको वो सुन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। कहा जा रहा है कि उन्होंने सुना नहीं, उनके डीजी शोभा होतकर के कहने के बावजूद लगातार वो लेट्स इंस्पायर बिहार का वहां ऑफिस चला रहे थे और लोगों से मिल रहे थे, लोगों से फूल गुलदस्ता, लोगों से जो भी मतलब भेंट देना चढ़ावा ओढ़ावा जो अपने सोशल मीडिया पे हैंडल मतलब जो डालते रहते हैं, इसकी नाराजगी थी उनको, और इस मतलब इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने जो है उनको गाली दे दिया। और ये जो गाली है कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक है गाली दिया, लेकिन कहीं ना कहीं विकास वैभव को इस बात को ट्वीट कर जो है लोगों को नहीं बताना चाहिए, वो लोगों को बताकर क्या करेंगे, लोगों को बताकर वो क्या करेंगे, उनकी पर्सनल मामली थी, उनके ऑफिस का मामला था, उनके दफ्तर का मामला था, वो दफ्तर में सुलझा लेते, अपने सीनियर पदाधिकारी से बात कर लेते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कहना है, वही जो तमाम जो मंत्री हैं, कुछ मंत्रियों का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं आईपीएस विकास वैभव ने बहुत गलत किया है। जी प्रत्योष, लेकिन आज आपको बता दूं एक बात कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि लोग अपनी सारी जो भी एक्टिविटी दिन भर की होती है या फिर उनकी निजी जिंदगी में जो कुछ भी चलता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताते हैं। तो हालांकि हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आई और वो लगातार ट्वीट करते नजर आए कि हम काफी दिनों से आहत चल रहे थे और हमने वो अकेले में बुला के जिस तरह से गालियां, उन्होंने लगातार ट्वीट नहीं किया था, उन्होंने लगातार ट्वीट नहीं किया था, उन्होंने एक ट्वीट किया था वो भी उन्होंने तुरंत डिलीट कर दिया था, उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने तुरंत डिलीट कर दिया। विकास वैभव की एक और ट्वीट बाहर आई थी और उसमें उन्होंने मतलब कुछ महाभारत से रिलेट करके उन्होंने लिखा था कि ऐसे लोग दोस्त नहीं बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया था उसमें साफ ऐसा नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो किसी पे तंज कसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी शायद किसी से, लेकिन वो उम्मीद टूटी और उसके बाद ये जो भड़ास है वो इस तरह से निकल कर सामने आया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है लोगों के लिए कि उस पर वो लोगों से राय लेते हैं या फिर सजेशन जब मिलता है तो उस पर वो एक्शन लिया करते हैं। लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने बोला कि भरोसा भी दिलाया कि हम कार्रवाई करेंगे और दूसरी तरफ उन्होंने इसकी भी निंदा की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारी को इस तरह से करना कहीं भी उचित नहीं है, तो इस पर दोनों को समझा बुझाकर जो है शांत कर दिया जाएगा, मामला कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं विकास वैभव जो आईपीएस विकास वैभव है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे थे, भले उनकी साफ छवि हो, उनकी साफ छवि के लोग उनका मिसाल भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे थे। अगर गलत नहीं करते तो कोई पागल नहीं है इस दुनिया में कि कोई किसी को बिना मतलब का गाली दे देगा। अगर हम आपको बिना मतलब का गाली देते हैं तो हम कहाँ तक सही हैं? अगर हम पागल तो नहीं है कि हम आपको बिना मतलब का गाली दे देंगे, आप हमको बिना मतलब का गाली दे दोगे,
देखिए क्लियर है कि कोई इतना सरफिरा इंसान नहीं होता है, प्रशासनिक विभाग में दोनों लोग हैं, एक आईजी एक डीजी हैं, काफी दिनों से दोनों जो है काम कर रहे हैं, मतलब एसपी डीएसपी तमाम पूरे बिहार को इन लोगों ने घूमला। बगहा में फोटो भी जो है आईपीएस विकास वैभव का लगाया जाता है, लोग विकास वैभव को लेकर, लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर हो या तमाम चीजों को लेकर को लगातार सराहना करते हैं। लेकिन अगर विकास वैभव ने अब ये इल्जाम लगाया था सुभा होकर पर, तो उनको मीडिया के सामने आना चाहिए था। सबसे पहली बात कि वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, पटना से कहाँ है विकास वैभव, बाहर कहीं गए हुए हैं, अभी तक उन्होंने किसी भी तरीके का ना मीडिया में आकर उन्होंने कोई जानकारी दिया, उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर दिया, उसके बाद पटना में नहीं है, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, क्लियर क्या कुछ है दोनों जो है अभी बता नहीं रहे हैं। तो अब जब तक एक दूसरे का बात जो है क्लियर नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो बातें सामने आ रही थी कि लेट्स इंस्पायर बिहार का ऑफिस चलाने को लेकर के ये मामला था, इस मामले पर जो है शोभा उत्कर जो नाराज हुई, उन्होंने जो है उनको गाली दे दिया, और गाली तब दिया पहले उन्होंने समझाया बुझाया, उनको नहीं समझे, लगातार मिलते रहे लोगों से, अब सर के ऊपर उनका पानी जो है वो जा रहा था, तब शोभा उत्कर ने जो है उन्होंने उनको गाली दिया। जी तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह से विकास वैभव अपने ट्वीट को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं और क्या कुछ अपडेट इससे पहले निकल कर आई है उस पर हमने आज चर्चा की है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं और उस पर किस तरह इंप्लीमेंट किए जाते हैं, इससे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहे हैं NBC 24 के साथ।